Hey, शिला बस बहुत हो गया, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। मैंने जो किया है बहुत सही किया है। शिला तुमने एकदम बराबर किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। बुआ मैं आपके साथ हूँ। आओ पे श्रेया। आओ श्रेया। श्रेया शर्वरी जी के साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो वैसी ही है। श्रेया बड़े बात कर रहे, उनके बीच में तुम बात मत करो। पापा मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने का पूरा हक है ना मम्मी? हाँ श्रेया तुझे बोलने का पूरा हक है, तू इस घर की चैंबर है, मेंबर है। बुआ जब जब शर्वरी जी घर में आती है सब उनके आगे पीछे करते है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। श्रेया बेटा हम उसके आगे क्या डांस करते है, नाचते है, शर्वरी शर्वरी शर्वरी। दादी बुरा मत मानना पर सबसे ज्यादा आप ही ने उनको सिर पे चढ़ा के रखा है। श्रेया ये क्या बोल रही है तू? एकदम बराबर बोल रही हूँ दादी मैं। तू बदल गई श्रेया, तू बदल गई। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि तू इतनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदलेगी, पर तू तो अपनी माँ का वर्जन ढो निकली। वाह यही दिन दिखाने के लिए मैंने तेरे इतने लाड प्यार किए थे। अपनी दादी का साइड नहीं ले रही, माँ के साथ जा रही है। जा जा बिछा अपनी माँ की परछाई। मुझ में कोई बदलाव नहीं हुआ दादी, श्रेया श्रेया ही है। आज तक जो जो हुआ मैं बस वही बोल रही हूँ, मैंने जो जो देखा बस वही बोल रही हूँ। जब जब शर्वरी जी आती है सब उनके आगे पीछे करते हैं और मम्मी को हमेशा कुछ भी बोलते रहते हैं। श्रेया रहने दे मत बोलना। ये श्रेया तो पूरी अपने माँ पे गई है, जैसी माँ वैसी बेटी, क्या लड़ती है दोनों माँ बेटी। मम्मी मुझे बोलने दो, हम कब तक सहन करेंगे? नहीं वो बाहर की है फिर भी उसको घर जैसा ट्रीट किया जाता है और हमको बाहर जैसा ट्रीट किया जाता है। श्रेया बस, तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ी हो गई है? बेटा शांत शांत चुपचाप अपने कमरे में जा, जा अपने कमरे में। देखो बुआ ऐसे करते हैं मुझे। श्रेया 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 देखो 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 उस शर्वरी की वजह से इन्होंने श्रेया को डांटा, ऐसे ही करते ही है। श्रेया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, शर्वरी उससे बड़ी है, उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हुआ, बच्ची है मन की सच्ची है, जो देखा वही बोला। बच्ची नहीं रही वो, बड़ी हो गई है, कॉलेज जाती है। माँ के लिए तो बच्चा ही होता है। बेटी भी ड्रामेबाज, माँ डबल ड्रामेबाज, दोनों मिलके करते हैं इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। मैं भी हूँ ड्रामेबाज। आजा आजा शीला आजा। भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था श्रेया के साथ। जा रही है ना, जा चुपचाप, मार खाना है मेरे हाथ का। मार तो आप खाएंगे मेरे हाथ का, वो तो आपके बच्चों को देख के शांत बैठती हूँ, सोचती हूँ इतने बड़े हो गए तो बच्चों के बाप है फिर भी अकल नहीं है। माँ कैसे बोल के गई वो मुझे, इससे अच्छा तो मारती। तो खा लेता ना मार, तुझे तो पता है कैसी बातें करती है वो, मारे बिना भी लोगों को रुला देती है। उसका हाथ भी बहुत जोर से लगता है, एक बार मारा था 4 दिन ऐसे निशान थे। तू सच में उसका बड़ा भाई है ना? अभी ये बात हमसे ज्यादा आपको अच्छे से पता होगी माँ। दूंगी एक कान के नीचे मैनर्स लेस। बड़ा भाई है ना उसका, तो तुझसे वो थोड़ी डरनी चाहिए, उल्टा तू ही उससे डरता है। श्रेया कहाँ चली गई, लगता है रूठ के चली गई बाहर। ओह नो। देखा ना शीला मैंने तुमको बोला था ना ये मीठी छुरी। या भाभी आई वॉज लिटरली शॉक्ड, मैं 6 सालों बाद आई हूँ, मेरे इतना कोई आगे पीछे नहीं कर रहा। और तो और सबको भ्रमित कर दिया है उसने, सब उसके आगे पीछे करते। भैया का छोड़ी दो भाभी, बुरा मत मानना, वो पहले से फालतू है। पर मम्मी मम्मी ऐसी नहीं थी, मैं जब गई थी तो मम्मी बहुत अच्छी थी, अब तो एकदम बदली बदली लगती है मुझे मम्मी। मुझे तो ऐसा लगता है इसने सोसाइटी वालों के ऊपर कोई जादू कर दिया है। सोसाइटी की असली जादूगर तो तू है। सर तुम आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, यह हमारा ग्रुप है, आप आ जाइए। मैं भी करती हूँ दरवाजा बंद, हमारा ये ग्रुप। चालाक औरत, खेल खेल, तुझको जितने चाल खेलने उतने खेल। मैं भी खिलाड़ी हूँ, अनाड़ी नहीं हूँ, भले ही मेरी पहली फेल है पर अनाड़ी नहीं हूँ मैं, समझती हूँ। कौन है चालाक, शीला? शीला नहीं, शीला की भाभी तेरी बीवी। तुझको जैसे फंसाया वैसे ही मेरी बेटी को फंसा रही है, फंसा फंसा। मैं नहीं फंसने वाली,
मैं भी दिखाती हूँ मैं किस खेत की मूली हूँ। मूड खराब कर दिया मेरा सारा। 6 सालों बाद मेरी बेटी आई है, मेरी है ही नहीं वो। भाभी भाभी भाभी, बस उसके मुंह में भाभी है। टोटके बाद औरत, पता नहीं इसके ऊपर कोई टोटका किया लगता है। नहीं माँ, शर्मिला ऐसा नहीं करेगी। जाना जा, तू क्यों यहाँ पे बैठा है? जा उनके ग्रुप में अपनी बीवी के गोद में जाके बैठ। सॉरी सॉरी माँ, मैं आपके साइड में ही हूँ। सासू माँ पहले से पागल और पागल कर दिया है। हाँ? उनको ना बहुत भ्रमित कर दिया है। मैंने सोचा नहीं था शर्वरी का हमारे घर के ऊपर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। जैसे वो आते ना, आओ आओ मिस ब्यूटीफुल, ये करो वो करो, इतना आगे पीछे करने की क्या जरूरत है। और उसको भी कोई काम धंधे नहीं होते, हर बार हमारे घर में टपक जाती है। अरे अपना घर होता है, वहां पे जाओ, इधर उधर क्यों घूमती रहती हो? या फिर शादी कर लो किसी के साथ। दोनों ननद भाभी गुल्लू 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 कर रही है कब से। माँ, आप सच में शर्वरी जी का साथ दे रही हो? बेटा तुझे तो पता है मैं हमेशा सच के साथ रहती हूँ। इस बार शर्वरी सच्ची है, मैं उसी के साथ हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। गेट लॉस्ट। नो नो नो, स्टैंड अप, गेट लॉस्ट। गलत मत समझना, मैं आपके साइड में ही हूँ। जैसा इस घर का माहौल दिख रहा है, बुढ़िया के दिन भर गए इस घर में। अब शायद इसको आश्रम में डाल देंगे। सब मिलके मुझे अकेला कर रहे हैं। करने दो करने दो, मैं भी देखती हूँ कितने दिनों तक चलता ही है। कर्मों के फल मिलने ही है, दूसरों को इतना बोलती है, कभी ना कभी इसके भी पापों का खड़ा भरेगा, फूटेगा। देखो शीला, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो क्योंकि तुम ना एकदम रोक ठोक बोलती हो। अभी आपको तो पता है मेरा नेचर कैसा है, जो है जबान पे है, मन में मैं कुछ नहीं रखती, भले ही लोगों को बुरी क्यों ना लग जाओ। अभी मेरे जान में जान नहीं, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है तू शर्वरी की सारी लीला खत्म कर देगी। इसीलिए मेरा नाम है भाभी शीला। भाई भाई भाई, हम सबको शर्वरी से मुक्ति दिला। शर्वरी तो फिर क्या करने का सोचा है? अभिषेक, अभी तो मैं कुछ नहीं करने वाली। अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो मैं कुछ करूँ? तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों? ये देखो अभिजीत, ये मेरा मामला है, मेरे मामले में तुम दखलंदाजी मत करो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो। ठीक है शर्वरी मैडम। अभिजीत कुछ करना मत, वो शीला सरफिरी, ये डबल सरफिरा।